हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम हमारा इंग्लिश का सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, थ्री लिटल पिग्स। वंस देयर वेयर थ्री लिटल पिग्स, एक बार क्या था, तीन पिग्स थे। पिग्स मतलब सुअर, पिग्स को क्या बोलेंगे हम, पिग्स मतलब हमारी आम भाषा में पिग्स को हम बोलते हैं सुअर। देखा है क्या किसी ने सुअर? शायद देखा होगा, किसी ने देखा होगा। जैसे हम जू में वगैरह जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं सुअर, वहीं पे देखा हूँ मैंने भी, वहीं पे देखा। देन उनका तीन सुअर थे, तीन पिग्स थे, उनके नाम थे सोनू, मोनू एंड गोनू। तीन पिग्स थे, उनके नाम क्या थे, सोनू, मोनू एंड गोनू। सोनू कहाँ रहता था, सोनू ल्यूडी ना हाउस ऑफ स्ट्रॉ, सोनू स्ट्रॉ के घर में रहता था। मोनू ल्यूड इन हाउस ऑफ स्टिक्स, मोनू कहाँ रहता था, हाउस ऑफ स्टिक्स। एंड गोनू लिव्ड इन हाउस ऑफ ब्रिक्स, हम कहाँ रहते हैं, हाउस ऑफ ब्रिक्स में। वैसे ही गोनू भी हाउस ऑफ ब्रिक्स में रहता था। एक बार क्या हुआ, वन डे अ बिग बैड वोल्फ केम टू सोनूज हाउस। एक बार क्या हुआ, एक बड़ा सा वोल्फ देखा है, वोल्फ सभी ने, हाँ देखा है। वोल्फ क्या होता है, सोनू के घर में आता है और सोनू को कहता है, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं क्या करूँगा, हवा अंदर भरूंगा, हवा बाहर निकालूंगा और मेरी हवा के तूफान लाऊंगा और हवा के तूफान से जो तुम्हारा घर है वो उड़ जाएगा और उसको मैं गिरा दूंगा। वैसे ही उसने किया, उस वोल्फ ने क्या किया, वो आया अपने अंदर हवा भरी और हवा बाहर निकाली और तूफान निकाला, वैसे ही सोनू का घर गिर गया। सोनू दौड़ते दौड़ते गया, किसके घर गया, मोनू के घर। वोल्फ भी वो मोनू के घर आया, उसने भी मोनू को धमकी दी कि भाई मैं भी हवा अंदर भरूंगा, आई पफ एंड हफ द एयर ऑन योर हो हाउस, मतलब मैं हवा अंदर भरूंगा, बाहर निकालूंगा और तुम्हारा घर गिरा दूंगा। वैसे ही उसने क्या किया, मोनू का घर भी गिरा दिया। अब क्या हुआ, सोनू और मोनू दौड़ते दौड़ते गए गोनू के घर में। गोनू का घर किससे बना हुआ था, वो बना था ब्रिक्स यानी ईंटों से, वो तो बहुत स्ट्रांग होता है, वो मजबूत होता है। फिर क्या हुआ, वोल्फ ने गोनू को भी धमकी दी कि गोनू भाई मैं भी अपने अंदर हवा भरूंगा एंड मैं बाहर निकालूंगा और तूफान आ जाएगा और मैं तुम्हारा घर भी गिरा दूंगा। लेकिन गोनू उसकी धमकी से डरा नहीं। फिर वो आया, वोल्फ आया, उसने हवा अंदर भरी और हवा बाहर निकाली, वैसे बाहर निकाली, लेकिन फिर भी गोनू के घर को कुछ नहीं हुआ, वो घर वैसे के वैसे ही रहा, क्योंकि वो ईंटों से बना था, ब्रिक्स से बना हुआ था, वो तो बहुत मजबूत होता है, इसलिए वो वैसे के वैसे रहा। आखिर में वोल्फ ने हार मानी और वो चला गया वहाँ से। फिर क्या हुआ, सोनू मोनू एंड गोनू तीनों एक साथ हैप्पीली रहने लगे। तो बस यही स्टोरी है हमारी, थ्री लिटल पिग, तीन सुअरों की कहानी। देन हमारे कुछ यहाँ पे न्यू वर्ड्स दिखाए हैं, बताए हैं, जैसे एंड, एंड पता है, एंड मतलब आनी, और आनी, और चाहिए मुझे, और खाना चाहिए, आई नीड अ मोर फूड, जैसे। देन बैड, बैड, यू आर अ बैड बॉय और गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय। देन नेक्स्ट बिग, बिग मतलब बड़ा सा, बहुत बड़ा, जैसे बिग किसे बोलेंगे, जैसे आई हैव बिग ब्रदर, उसको हम बोलेंगे बिग मतलब हमसे बड़ा, बट, बट मतलब परंतु। देन नॉट, नॉट मतलब नहीं, वन मतलब एक, जैसे देखा है सभी ने वन, इसको हम वन बोलते हैं, ये हमारा वन। देन नेक्स्ट पिग, पिग मतलब सुअर, सोनू मोनू कौन थे, पिग्स थे, हैं पिग्स। देन द, देन वॉज, नेक्स्ट है लेट्स रीड, हमें ये पढ़ना है, जैसे यहाँ पे देख रहा होगा बोर्ड पे, आपको ये आपको पढ़ना है, द वोल्फ वॉज बिग एंड बैड। वो जो वोल्फ था वो कैसा था, बिग था और बुरा था, बड़ा था और बुरा था। नेक्स्ट क्या है, द पिग वॉज नॉट बिग, पिग बड़ा, पिग बड़ा नहीं था, पिग बड़ा नहीं था। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, हमारे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चंस क्या करने हैं, जैसे मैं बताऊंगी आपको, इसको साइड में पेंसिल से यहाँ पे नोट डाउन करने हैं, जैसे हाउ मेनी पिग्स वेयर देयर, वहाँ पे कितने पिग्स थे, भाई हमें तो ये आंसर आता है, कितने पिग्स थे, तीन पिग्स थे, देर आर थ्री पिग्स, कौन कौन, उसके नाम क्या है, सोनू मोनू एंड गोनू, देर आर थ्री पिग्स, नेमली सोनू मोनू एंड गोनू। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द बिग वोल्फ से टू द पिग्स,
उस बड़े से वोल्फ ने पिग से क्या कहा था? देखो इसका आंसर यहाँ पे लिखा है, क्या कहा था पिग ने, वोल्फ ने पिग को, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, ये कहा था वोल्फ ने पिग्स को। तो इसका आंसर हमें यही पे साइड में इसके पेंसिल से नोट डाउन करना है। देन लेट्स टॉक, बात करते थोड़ी सी, वॉज द वोल्फ गुड और बैड? आपको क्या लगता है, वोल्फ गुड था कि बैड था? आई थिंक वो बैड था, ऐसे किसी के घर तोड़ना बैड है ना, आई थिंक वोल्फ वॉज बैड। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, बैड। देन नेक्स्ट, वॉट इज़ योर हाउस मेड अप ऑफ? आपका घर किससे बना है? मेरा घर तो ब्रिक से बना है, तो मैं किससे लिखूँगी, ब्रिक लिखूँगी। आपका घर किससे बना है, आपको भी यहाँ पे साइड में लिखना है कि आपका घर किससे बना है। देन हु इज गुड, आपको बताना है हु इज गुड, पिग्स गुड थे नहीं थे? थे, पिग्स ही गुड थे, और वोल्फ क्या था, बैड था। मतलब हु इज गुड, उसके आगे आंसर लिखेंगे पिग, एंड हु इज बैड, उसके आगे आंसर लिखेंगे वोल्फ। देन नेक्स्ट है, आपको जोर जोर से बोलना है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 पढ़ा है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। देन नेक्स्ट, आपको क्या करना है, इन डॉटेड डॉट्स को ज्वाइन करके आपको एक हाउस बनाना है। खुद से कर लोगे, करना है, क्या करेंगे, इस 10 को 9 से ज्वाइन करेंगे, देन इस 9 को 8 से ज्वाइन करेंगे, डॉट जो दिए हैं, देन 8 को 7 से ज्वाइन करेंगे। वैसे ही यहाँ पे 1 से 2 को ज्वाइन करेंगे, 2 को 3 से ज्वाइन करेंगे, और 3 को 4 से ज्वाइन करेंगे, देन 4 को 5 से ज्वाइन करेंगे, देन 5 को 6 से, और ये 6 को 7 से। समझा आपको? दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, थ्री लिटल